भगवान राम और ब्राह्मणों को लेकर एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि कल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जमुई पहुंचे थे और उस वक्त वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने भगवान राम और ब्राह्मण समाज के लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो काफी ज्यादा तेज हो गई। हम तो कहना चाहते हैं आज के लोग, हम खुले कहते हैं इस दिन से, आज भी आप लोग सुन लो, कल सुनिए पागल है बोल दी कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे, राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निर्मित किया है। तो काव्य जो है, महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को, ये राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हमने देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे, आज हमारा छुआ हुआ जो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ नहीं कह सकते हैं, यही दुनिया है।